हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? बढ़िया हो? मैं ना और लेट हो जाती हूँ वीडियो बनाने में। अभी अभी मैं जो है फ्री हुई हूँ और मैंने कहा कि चलो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दूँ, मोटिवेट करूँ। और मैंने तो आपको बोला ही है कि मैं एक वर्ष में पतली हो जाऊंगी बिल्कुल, और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बहुत कम एक्सरसाइज कर पा रही हूँ क्योंकि मैं रात को काम थोड़ा ज्यादा होने की वजह से 12-1 बजे सोती हूँ। सुबह जो है मैं उठ नहीं पाती, पर लेकिन मेरे अंदर जो जुनून है ना पतले होने का, वो बरकरार रहना चाहिए, वो कम नहीं है। बस मैंने पतले होकर ही रहना, जो मर्जी हो जाए। बाकी मैं जब भी टाइम लगे फिर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जैसे अभी कभी 11-12 बजे कर लेती हूँ कभी। कैसे चलो एक्सरसाइज अगर आपके बीच में मिसिंग भी हो जाए ना बीच बीच में, वो कोई बात नहीं, लेकिन ना आप गर्म पानी पीना मत छोड़े। गर्म पानी बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। मैंने तो काफी टाइम से जो है ना, अगर गर्म पानी नहीं कर सकती थी ना तो फ्रिज का तो पानी मैंने बंद ही कर दिया। चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो मैं ठंडा पानी नहीं पीती, जैसे नॉर्मल पानी पीती हूँ और सर्दियों में गर्म करके पानी पी लेती हूँ, ठीक है। और एक आप ना सेंधा नमक यूज करें, वो पतले होने में बहुत हेल्प करता है। और जो ये आम टाटा नमक वगैरह है, इससे मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे ज्यादा जिसको नमक ज्यादा खाने की अचार ये चीजें आदत है ना, तो वो ये नमक अवॉइड करें क्योंकि ये जो है ना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और कोशिश करें एक दिन का आप नमक का त्याग करें, एक दिन आप बिना नमक का खाना खाएं, फल फ्रूट खा लें या टमाटर प्याज की ऐसी सब्जी बना लें, थोड़ा सा मिर्च डाल के, नमक ना डालें उसमें ऐसे कुछ, या कोई परोंठे बना लें पालक के, मूली के, उसमें नमक ना डालें सारा दिन, मतलब ऐसे ही कुछ खाएं मतलब, ठीक है। और जो है चीनी तो बिल्कुल निकाल दो अपने खाने से। मैं तो चीनी बिल्कुल आधा चम्मच डालती हूँ चाय में, और जो है ना गुड़ की बनी चीजें ही खाती हूँ, मीठा बिल्कुल नहीं खाती मैं। लेकिन अब मैं केयर करने लग गई हूँ, मैंने अभी अपना वजन किया तो नहीं है लेकिन, पर मुझे ऐसे लगता है कि भी मेरे थोड़ा सा जैसे फुलावट कम होती जा रही है और मेरे अंदर एनर्जी बहुत हो गई है क्योंकि अब मैं ना जो है गर्म पानी पीने लग गई एक तो, और एक खाना बहुत चबा चबा के खाती हूँ। खाना हमेशा बहुत चबा चबा के धीरे धीरे खाओ और पानी गर्म पियो। और मैं ना अब मैंने नींबू भी शुरू किए हुए है, ये मुझे 1 महीना हो गया लगभग। मैं छोटे छोटे नींबू है बिल्कुल, उसको 2 या 3 या 1 जैसे ही मैं मतलब 1 चम्मच रस उसमें निकल जाता है तो वो गर्म पानी डाल के वो पी लेती हूँ मैं, ठीक है। और जो है नींबू से भी फायदा होता है। और एक मैं खाना खाने के बाद सौंफ खाती हूँ। सबसे पहले तो अपना हाजमा ठीक करने की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा तो जो हमारा वजन, बस अब हमारे लिए एक ही रह गया टॉपिक की वजन कम करना है। अब बढ़ना तो कम हो जाएगा ना, अब मेरा वजन बढ़ नहीं रहा, वही रुक गया। अब जो ये वजन है इसको कम करने की मेरे पास बस एक समस्या है, वो भी मैं उसको बहुत समस्या नहीं समझती, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बस ये आज हमारे धूप निकली है वरना बहुत ठंड है, तो बस जैसे ही थोड़ा थोड़ा नॉर्मल दिन होते जाएंगे ना मैं सुबह रनिंग करूंगी, और इससे क्या है हमारा जो शरीर भी स्वस्थ रहता है, हम ओवरएज भी नहीं लगते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज प्लीज जो भी ओवरवेट है, जैसे आपको पता ही है ना हमारा जो कद है, जितने इंच हमारी हाइट होती है उतने किलो वेट होना चाहिए। मेरा जो कद है 58 इंच है, 4 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, और उस हिसाब से मेरा 58 वेट होना चाहिए। मेरा अब 67 है, मैं 60 तक तो ले आई थी ना, फिर बस मैं केयर करना बंद कर दिया है ना अपनी, लेकिन अब मैं 58 तक, तो क्या 50 कोशिश है भी 55 तक ही कर लूंगी वेट अपना। और जो है पर वो मैं अपना वेट ना खाना कम करके नहीं करूंगी, पहले मैंने काफी खाना भी कम कर दिया था। जैसे खाना कम मत करो, चीजें खाओ पर ऐसी चीजें खाओ जो कि वेट को बढ़ाती ना हो और जिससे कि हमें एनर्जी मिलती हो, ठीक है। मैं ऐसी चीजें ही खाती हूँ, ठीक है। जैसे सब ये जो शादियों की मिठाई है, ऐसे भूख लगी वो खा लिया, फ्रिज में से गुलाब जामुन खा लिया, ये खा लिया, वो मत खाओ। जैसे चने भुने हुए, भूख लगे भुने हुए चने खा लिए, या थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट का सॉरी बादाम खा लिए है ना, अखरोट, ऐसी चीजें खाओ जिससे हमें ताकत भी मिले। और जो भी कुछ खाओ चबा चबा कर, फ्रूट्स सलाद ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो,
बस मैं इन्हीं तरीके से जो है इस जर्नी पर चल पड़ी हूँ। मैं एक्सरसाइज सॉरी आज नहीं बता पाऊंगी, अगले मंडे को मैं जो है जरूर बता दूंगी मैं एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, और बस मैं थोड़ी कुछ नया तो नहीं होता तो बस बातचीत करने के लिए ही आ जाती हूँ आपके साथ कि बने रहो। मैं अगर मैं ही वीडियो नहीं बनाऊंगी तो आपका फिर जो है ना वो हो जाएगा बीच में ही उत्साह भंग। पर आपसे मैं नाराज हूँ, आप कमेंट नहीं करते भी कौन कौन जो है वेट कम करना चाहता है और हम मिलकर वजन कम करेंगे, एक मिसाल बनेंगे। और कोशिश करते रहो, जरूर जरूर वर्कआउट करो, है ना। जैसे सारे घर के काम मैं खुद ही करती हूँ, ठीक है, और झाड़ू पोछे भी मैं खुद लगाती हूँ, सारा काम मैं खुद करती हूँ ताकि मेरा शरीर जो है ना स्वस्थ रहे, है ना। और ओके फ्रेंड्स, सभी अपने अपने कमेंट में बताएं कि आप क्या कुछ कर रहे हो पतले होने के लिए। मुझे भी कुछ अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। बाकी मैं सारा दिन जो है ना जो है थोड़े से दाने सौंफ के मुंह में रखती हूँ, है ना, अदरक का टुकड़ा मुंह में रखती हूँ ताकि जो है उससे मेरे जो पाचन क्रिया वो ठीक हो जाए और मुझे एनर्जी मिले। और क्योंकि अगर आप थके थके रहोगे तो भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए भी शरीर में पूरी एनर्जी पॉजिटिविटी और उत्साह होना चाहिए, नहीं तो ऐसे निराश निराश सब वो लगा रहता है ना। इसलिए बस लगे रहो, गर्म पानी पीते रहो, सौंफ इलायची वगैरह खाते रहो, अदरक लहसुन को डबल कर दो सब्जी में। मैंने पहले भी बताया था, मैंने भी कर दिया, उससे क्या है सब्जियां आपको अच्छे से हजम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, चावल खाना वैसे तो मोटापा लाता है पर चावल के साथ अगर आप बाजरा जैसे मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल, है ना, इस तरह से खिचड़ी बना के इस तरह खाओ मिक्स करके, है ना, जैसे फिर वो हानिकारक नहीं होता। ओके फ्रेंड, कोशिश ये करो अन्न थोड़ा कम कर दो और जो है भरमा रोटियां जैसे होती है वो खाओ। रोटी हमेशा ना अगर पतले होना है तो जैसे पालक को पीस लो मिक्सी में और थोड़ा पानी डाल के पालक को उसका आटा गूंथ के रोटी खाओ, है ना। इस तरह से मतलब रोटी को पेट भी भर जाएगा और अन्न भी पेट में कम जाएगा। इस तरह जैसे मूली कद्दूकस कर लो, उसमें आटा गूंथ लो एक दो रोटी का अपने लिए, वो वाली रोटी खाओ, थोड़ा बेसन डाल लो इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें। ओके, बाय बाय।